नमस्कार बच्चों, विषय हिंदी। देखो पिछला जो वीडियो था उसमें हमने निबंध लेखन के बारे में चर्चा करनी शुरू की थी। दो वीडियो हो गए, उन दो वीडियो में हमने देखा था। पहले वीडियो में हमने देखा कि निबंध की परिभाषा क्या है, निबंध किसे कहा जाता है, मन के भाव को प्रकट करने का साधन कौन सा है, इसकी चर्चा हमने पहला जो पार्ट है उसमें की थी, यानी कि निबंध लेखन यानी कि क्या। उसके बाद जो दूसरा भाग है उसमें हमने देखा था कि निबंध लेखन करते वक्त किन किन चीजों की ओर ध्यान देना चाहिए। तो निबंध लेखन करते वक्त पहले तो महत्वपूर्ण है इनसे तीन भागों में बांटना चाहिए, ये देखा था। शुरुआत कैसी करनी चाहिए, मध्य की विषय विवेचन किस हिसाब से करना चाहिए, अंत किस हिसाब से करना चाहिए, इसके बारे में हमने बड़े अच्छे तरीके से चर्चा की थी। कि कौन सा भी यदि निबंध आता है तो एक नियम है पहला कि उसे तीन भागों में बांटना चाहिए। तो यह हमें पहली भांति बड़े अच्छी तरीके से इसकी जानकारी हमें पता चल गई है। तो प्रारंभ प्रस्तावना कहते हैं उसे, मध्य विषय विवेचन कहते हैं, अंत, इसकी जानकारी हमने पिछला जो वीडियो है उसमें ली है। अब हम देखते हैं कि दूसरा नियम क्या है। देखो निबंध की भाषा सरल और शुद्ध होनी चाहिए। जब भी हम निबंध लिखना शुरू कर देते हैं तो शुद्ध हिंदी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने एक उदाहरण दिया था कि हमारी भाषा यदि इस हिसाब से होगी, तेरे आंगन में मेरा शरण्या अरण्या, यदि ऐसे शब्दों का ऐसे हिंदी भाषा का इस्तेमाल करोगे तो सभी लोग हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। यानी कि सभी लोगों को लगेगा कि अरे क्या हिंदी भाषा में मराठी के आगे शब्द डाल दिए है, दूसरे कौन से शब्द डाल दिए है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब भी आप निबंध लिखना शुरू करोगे तो भाषा जो है सरल स्पष्ट हिंदी भाषा ही होनी चाहिए। उसके साथ साथ देखो बहुत सारे छात्र दो तीन चार पन्ने निबंध लिखते हैं लेकिन उन निबंधों में मानव वर्तन की दृष्टि से बहुत सारी गलतियां होती। एक बेसिक बता देते हो क्या गलतियां करते हैं, यानी कि हमें पता नहीं होता कि आत्मकथात्मक निबंध आता है तो इसमें का इस्तेमाल करना है या इसमें का इस्तेमाल करना है। तो शुरुआत करते वक्त इसमें के द्वारा करते हैं, यानी कि मैं उदाहरण के तौर पर हम देखा था कि पिछले वीडियो में एक किसान की आत्मकथा है, मैं श्यामराव रामराव पाटिल हूँ, मैं किसान हूँ। इस हिसाब से इसमें का करता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है, तो पहला ही इंप्रेशन यदि खराब होगा तो आपको अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। तो उस वक्त पेपर जांचने वाला इसके नीचे लेट रेड पेन से अंडरलाइन कर लेता है और आपके अंक जो ज्यादा मिलने वाले थे वो कम हो जाते हैं। यानी कि जब भी हम खुद के लिए मेक का इस्तेमाल करते हैं तो इस मेक का इस्तेमाल कर, समझ में आ रहा है। यानी कि एक जानवर को मुझे कितने हाथ है, दो हाथ है, दो हाथ है लेकिन दो मात्रा दे दो, और ये बाकी जगह पर जब भी कभी आता है तो इस मेक का इस्तेमाल करना है, मुझे दो हाथ है तो दो मात्रा दे दो। उसके साथ साथ कुछ छात्र क्या करते हैं, देखो नहीं इस हिसाब से लिखते हैं लेकिन यहाँ पर इस हिसाब से देना भूल जाते हैं। यदि यह नहीं लोगे तभी भी आपके अंक काट दिए जा सकते हैं। 90 के ऊपर आपके अंक यदि चले जा रहे हैं उस वक्त यह नहीं दिया हुआ है तो आपके अंक काट दिए जाएंगे। इसलिए जो शब्द आप लिख रहे हो वो शुद्ध तरीके से होना चाहिए, मानक वर्तन की दृष्टि से सही होना चाहिए। इसलिए कहा गया है तो निबंध की भाषा सरल और शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध इसलिए क्योंकि पढ़ने वाला जो होता है वो हिंदी भाषा में तज्ञ होता है। तज्ञ यानी कि उसे उस भाषा के शब्दों की बड़ी अच्छी तरीके से जानकारी होती है। इसलिए हम जब भी हम निबंध लिखेंगे तो शुद्ध भाषा में होना चाहिए क्योंकि सामने वाले को भी पढ़ते वक्त बड़ा अच्छा लगना चाहिए। समझ में आ गया दूसरा नियम क्या है, निबंध की भाषा सरल और शुद्ध होनी चाहिए। उसके बाद आगे हम देखते हैं, देखो निबंध में मुहावरों तथा कहावतों का उपयोग करें। देखो निबंध लेखन करना यह एक कला है, इस कला को प्रस्तुत करते वक्त उसे और सुंदर बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए हमें मुहावरों का तथा कहावतों का प्रयोग करना चाहिए। मुहावरों का यानी कि ध्यान में रखो कि हमने कहानी में देखा था कि कहानी बना लिखते वक्त हमें मुहावरों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो उस वक्त भी मैंने बता दिया था कि कहावतें या मुहावरे जो है पहले मुकद्दर करके रखो, कुछ मुहावरे वो डालना ही डालना है, और कौन से भी निबंध में या कौन से भी कहानियों में जब 6-7 मुहावरों की तैयारी करके रखते हो तो वो डालते हो,
बाकी के हिसाब से उसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करके आगे पीछे करके डाल सकते हो, यानी कि 9-2-11 होना, यानी कि भाग जाना, राह देखना, इंतजार करना, पुराना समाना, बेखुश होना, लुट पुट होना, बेहद हंसी होना या बेहद खुशी होकर हंसना। इस हिसाब से जो है अब जो मुहावरे हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि देखो निबंध आप लिखते हो तो उसमें आप यदि मुहावरों का इस्तेमाल करोगे, यानी कि मैं उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं किसान की आत्मकथा, किसान अपने बेटों बेटों का इंतजार कर रहा था, इसकी जब जगह पर किसान अपने बेटों की राह देख रहा था, किसान जो है वह पहले जो समय था उस वक्त वो पुला नहीं पाता था, उसके पास बेहद खुशी आई थी। इसे बहुत सारी उदाहरणों के द्वारा हम प्रस्तुत कर सकते हैं कि मुहावरे किस हिसाब से लिखना चाहिए, क्योंकि 4-5 मुहावरे बेसिक ध्यान रखो, 4-5 मुहावरे की तैयारी करो और मुहावरे जो है जिस हिसाब से है उस प्रसंग के हिसाब से वो डालो, और जब भी मुहावरे डालोगे कि मुहावरों का इस्तेमाल करोगे उसके नीचे अंडरलाइन करना भूलो मत, कि सामने वाले चेक करने वाले को बता दो, चेक करने वाले यानी कि पेपर जांचने वाले को बता दो कि मैंने मुहावरों का इस्तेमाल किया है, तभी आपके अंक बढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ देखो मुहावरों के बाद कहावतों का, एक दो कहावतों का इस्तेमाल करो, कहा राजा भोज कहा गंगू तेली, यानी कि बड़े लोगों के साथ छोटे लोगों की तुलना करना, ऐसे छोटे छोटे जो कहावतें हैं वह अपने निबंध में डालो और बड़े सुंदर तरीके से निबंध प्रस्तुत करो। इसलिए कहा गया है कि निबंध में मोहरे और उसके साथ साथ कहावतों का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। समझ में आ गया क्या क्या करना है निबंध को सुंदर तरीके से आकर्षक तरीके से प्रस्तुत कराने के लिए। उसके बाद चौथा नियम है देखो, प्रारंभ और अंत किसी महापुरुष के कथन या कविता से करे। आत्मकथात्मक निबंध के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या उसके साथ साथ दूसरे जो निबंध के प्रकार है उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, उस हिसाब से ही शुरुआत करोगे तो बड़े अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। मैंने क्या कहा देखो, प्रारंभ और अंत किसी महापुरुष के कथन या कविता से करे। उदाहरण के तौर पर विषय लेते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा ऐसा निबंध है, तो आपको शुरुआत करते वक्त किसी महापुरुष के कथन के द्वारा हम ऐसे कह सकते हैं, महात्मा गांधी जी ने कहा है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा के बिना हमारा देश गूंगा है, इनकी शुरुआत हो गई। और ऐसे यदि लाजवाब शुरुआत करोगे तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जो आपके निबंध के लिए कम अंक देगा, यानी कि शुरुआत यदि लाजवाब हो जाएगी तो लाजवाब तरीके से अंक प्राप्त हो जाएंगे। समझ में आ गया किसी महापुरुष का कथन उसके साथ साथ देखते रहो या कविता से करें, यानी कि कविता कौन सी दी, यानी कि समय का महत्व हमने देखा, उसमें हमने देखा कि समय के बारे में कविता देखी थी कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो समय के साथ चलते हैं, संसार में सफल तो बहुत होते हैं लेकिन संसार के आपको कथा तो समय पर चलने वाले ही होते हैं, यानी कि कोई भी निबंध आ जाए उसकी शुरुआत करते वक्त यदि कविता की पंक्तियां डालोगे तो बड़े लाजवाब तरीके से आपको अंक प्राप्त हो जाएंगे। आत्मकथनात्मक कोई निबंध आता है तो उस वक्त ये पंक्तियां डालो ही डालो, क्या सुनोगे मेरी कहानी भर आएगा आंखों में पानी, क्या सुनोगे मेरी कहानी भर आएगा आंखों में पानी, ऐसे भी शुरुआत करोगे तो हर कोई आपको बड़े अच्छे तरीके से अंक देगा। उसके बाद 5 नंबर का नियम है देखो, निबंध का अंत अलग परिच्छेद में करे। यानी जब भी हम निबंध लिखना शुरू कर देते हैं तो क्या करते हैं बहुत सारे छात्र, अंत के 10-20 मिनट बच जाते हैं तो उस वक्त यहाँ से शुरुआत करते हैं और अंत तक यहाँ तक लिखते ही लिखते 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 जाते हैं। पेपर जांचते वक्त मुझे बहुत सारे ऐसे अनुभव आ गए, छात्र तो बड़ा होशियार होते हैं, यानी कि छात्र जो है बड़े होशियार होते हैं लेकिन समय कम होने के कारण दुविधा में आ जाते हैं कैसे लिखूं क्या लिखूं, और जल्दबाजी में दिमाग काम करना बंद कर देता है, उस वक्त वह नियमों को भूला देते हैं और शुरुआत से लेकर अंत तक एक एक पन्ने में एक भी परिचय नहीं होता, तो परिचय न होने के कारण उनके अंक कम होते हैं और जिसे 90-95 अंक मिलने वाले थे वह 80 या 75 के पास आते हैं। यानी कि सभी लेखन विभाग के लिए नियम है कि परिचय बनाते जाओ, यानी कि देखो जब भी आप
निबंध का अंत करोगे तो उस वक्त वो अलग परिच्छेद में करना चाहिए, यानी कि अंत जब करोगे तो उस वक्त बीच में पंक्तियां डालो और इसमें यह बता दिया है या हमें यह संदेश लेना चाहिए कि हमें विज्ञान से जो लाभ मिल रहे हैं उसके साथ साथ जो उसके हानियां है वह नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए, उसके साथ साथ जो अनुभव का इस्तेमाल कर रहे उन्हें समझाना चाहिए, या ऐसे बहुत सारे जो संदेश सेवा दे सकते हो। अंत के बारे में हमने चर्चा बड़े अच्छी तरीके से की हुई है, तो यही ध्यान रखो कि निबंध लिखते वक्त जो अंत है वह अलग परिच्छेद में करना चाहिए। प्रस्तावना एक परिच्छेद करो, बीच की जानकारी जो है उसमें दो परिच्छेद बनाओ और तीसरा जो अंत जो है उसमें एक परिच्छेद बनाओ, बड़े अच्छे तरीके से आपका निबंध तैयार हो जाएगा। मेरा मानना है कि अभी तक आपको समझ में आ गया है कि निबंध तीन भागों में लिखा जाता है, प्रस्तावना, मध्य, अंत। शुरुआत जब हम करेंगे तो उस वक्त कविता की पंक्ति या उसके साथ साथ क्या करना चाहिए, अंत में भी हम कविता की पंक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा निबंध की भाषा सरल और शुद्ध होनी चाहिए। सरल इसलिए क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है हिंदी के शब्दों को घुमा फिरा कर लिखते हैं, मैं गांव जा रहा हूँ, जा मैं गांव रहा हूँ, ऐसे लिखेंगे तो नए अंक मिलेंगे। यानी कि कुछ छात्र तो मैंने बता दिया कि मेरे आंगन में मेरा शरण्या, इन शब्दों का इस्तेमाल ऐसी हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी हिंदी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें हमारी जो भाषा है वह सरल होनी चाहिए, उसके साथ साथ शुद्ध भी होनी चाहिए। शुद्ध इसलिए क्योंकि जो जाति वाले हैं वह तज्ञ होते हैं, और इसलिए हम जो लिख रहे हैं वह सही होना चाहिए, मानस वर्तन की दृष्टि से वह शुद्ध होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि जब हम निबंध लिखेंगे तो उसमें मुहावरे कहावतों का उपयोग करना चाहिए, मुहावरे कहावतों का हम निबंध में इस्तेमाल करेंगे तो हमारा निबंध सुंदर और आकर्षक बन जाएगा, और आकर्षक बनता है तो सामने वाला बड़े अच्छे तरीके से अंक देगा। उसके बाद देखो प्रारंभ और अंत किसी महापुरुष के कथन या कविता से करें, इसकी भी जानकारी बड़े अच्छे तरीके से ली है कि शुरुआत में किसी महापुरुष के वाक्य दिया, महत्वपूर्ण वक्तव्य भी डालेंगे या कविताएं डालेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से हमारा निबंध जो है हो जाएगा। उसके बाद निबंध का अंत अलग परिच्छेद में करना चाहिए, ये इसकी भी चर्चा हमने बड़े अच्छे तरीके से इस वीडियो में की है। देखो कुल मिलाकर जो निबंध लिखने के जो बेसिक नियम है वह यही है, कौन सा भी निबंध हो किस हिसाब से भी हो वह इन नियमों के अनुसार ही हम लिखेंगे तभी हम अच्छे तरीके से अंक प्राप्त कर पाएंगे। कुल मिलाकर निबंध के लिए 7 अंक है, 7 में से 6.5 अंक मिल सकते हैं। और एक बात है कि निबंध लिखते वक्त हमें विराम चिन्हों का इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए, यानी कि कोई यदि व्यक्ति अपने मुंह से यदि महत्वपूर्ण वाक्य बोलता है तो वह इकरा उद्धरण चिन्ह में डालना चाहिए, विस्मय अनुबोधक चिन्ह का इस्तेमाल करना चाहिए, प्रश्न चिन्ह का इस्तेमाल करना चाहिए, उसके साथ साथ अल्प विराम है, पूर्ण विराम है, आदि जो चिन्ह है उनका सही मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। यदि इन चीजों को ध्यान रखकर आप यदि कौन सा भी निबंध आ जाए वो लिखोगे तो बड़े अच्छे तरीके से 7 में से 6.5 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। जिन्हें लग रहा था निबंध में अच्छे अंक प्राप्त नहीं होते उन्हें आप लगेगा अरे नहीं हाँ मैं भी अच्छे तरीके से निबंध लिख सकता हूँ और अच्छे तरीके से अंक प्राप्त कर लेता हूँ। और एक है कि निबंध जब आप चुनने वाले हो तो बड़े सोच विचार करके उस विषय को चुनो या निबंध को उसे चुनो, ऐसा करोगे तभी आपको बड़े अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे, नहीं तो कुछ लिखा और मुझे नहीं आता उसे रब कर लिया दूसरा लिखा उसके लिए आपके 1-2 मिनट चले जाएंगे। आप कहोगे 1-2 मिनट चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं ऐसे कहा जाता है बूंद बूंद से समंदर बनता है, यानी कि एक एक अंक से जो है हमारे अंक बढ़ सकते हैं। आपके 2 मिनट चले गए आगे की जो 4 अंक आप लिखने वाले हो वो रह गई वहां पर आपका 1-2 अंक चला जाएगा, यानी कि छोटी छोटी चीजों की ओर ध्यान दे दो तभी आपको बड़े अच्छे तरीके से अंक प्राप्त हो जाएंगे। मेरा मानना है कि निबंध लेखन के जो बेसिक नियम है वह शाम पट पर मैंने लिखे हुए है, कौन कौन से है मेरा मानना है कि आपने काफी में वह लिख कर ले लो, मैं कुछ समय के लिए यहाँ से
2 मिनट के लिए हटता हूँ और वजन से तरीके से आपको दिखाई देगा। मैं बगल में जाकर खड़ा रहता हूँ, ये जो नियम है उसे पढ़ो और अपने कापी में लिख कर ले लो। मेरा मानना है कि पहला नियम जो है वो आपने कापी में लिखना शुरू किया हुआ होगा। निबंध मुख्यतः 3 भागों में लिखना चाहिए, लिखा है उसके बाद देखो क्या है। पहले प्रारंभ, दूसरा है मध्य यानी कि विषय व्यंजन है, तीसरा जो है अंत है। लिख कर ले लिया। उसके बाद 2 नंबर का नियम क्या है देखो, निबंध की भाषा सरल और शुद्ध होनी चाहिए। निबंध की भाषा सरल और शुद्ध होनी चाहिए। 3 नंबर का लिखो, निबंध में मुहावरों तथा कहावतों का उपयोग करें। तीसरा नियम क्या है, निबंध में मुहावरों तथा कहावतों का उपयोग करें। 14 नियम है, प्रारंभ और अंत किसी महापुरुष के कथन या कविता से करें। 5 नंबर है निबंध का अंत अलग परिच्छेद में करो। 5 नंबर है निबंध का अंत अलग परिच्छेद में करो। मेरा मानना है कि आपने निबंध लेखन के जो बेसिक नियम है वो अपने कापी में बड़े अच्छे तरीके से लिखकर ले हुए होंगे। आगे हम अगला जो वीडियो आने वाला है उसमें हम निबंध के कितने प्रकार है उन 5 प्रकारों में से कौन कौन से उदाहरण आ सकते हैं इसकी चर्चा हम अगले जो आने वाली वीडियो है उसमें करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।